HMD Global अपने एक नए स्मार्टफोन पर काम कर रही है। यह एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन हो सकता है। इस फ़ोन का नाम नोकिया 9.3 प्योर व्यू बताया जा रहा है। इस फ़ोन को इसी साल अगस्त सितंबर के आसपास में लॉन्च किया जा सकता है। इस फ़ोन के फीचर्स की जानकारी भी ऑनलाइन आनी शुरू हो गई है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि फ़ोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। वहीं अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक फ़ोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिए जाने की उम्मीद है। एक टिप्सटर नोकिया NU के मुताबिक इस फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले दिए जाने की उम्मीद है। इस वर्ष मार्केट में कई ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं जो ज़्यादा रिफ्रेश रेट के साथ देखे गए हैं। इनमें OnePlus 8 Pro और Samsung Galaxy S20 शामिल हैं। हालांकि Nokia 9.3 प्योर व्यू के बारे में कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। इससे पहले आई नोकिया पावर यूज़र की रिपोर्ट के मुताबिक नोकिया 9.3 प्योर व्यू में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया जा सकता है। वहीं फ़ोन में 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर भी दिया जाएगा। यह कंपनी का पहला स्मार्टफोन हो सकता है जो इतने हाई मेगापिक्सल के साथ पेश किया जाएगा। फ़ोन के अन्य संभावित फीचर्स के बारे में बात की जाए तो यह फ़ोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 या 855 प्लस प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जा सकता है। वहीं फ़ोन को IP67 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग फीचर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिए जाने की उम्मीद है। वहीं फास्ट चार्जिंग फीचर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फ़ोन में भी नोकिया 9.3 प्योर व्यू की तरह पेंटा कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में कोई फ़िलहाल कोई खबर सामने नहीं आई है।